हेलो जी, किवें हो तुसी सारे? होप तुसी सारे जणे ठीक ठाक होवोगे। मैं बलजिंदर तुहाडा सारिआं दा स्वागत करदी हाँ अपने यूट्यूब चैनल ते। अज दी जिहड़ी वीडियो हैगी रिक्वेस्टड वीडियो है उहनां भैणां लई जिन्हां दे इस एरिया तों ब्लैक ब्लैक हो चुका है, जिन्हां दे लिप्स दे आस पास दी जिहड़ी ए वाली स्किन है ना ब्लैक हो चुकी है। बहुत सारियां रेमडियां इस्तेमाल कर लईआं ने, बहुत सारियां दवाइयां इस्तेमाल कर लईआं पर उह ठीक नहीं हो रहीआं। इन्हां दा ये मतलब ब्लैक ब्लैक होण दा कारण एक तां हैगा है कि आपां पानी बहुत घट पीने आ, मॉइस्चराइजर घट हुंदा स्किन विच, पानी दी मात्रा घट हुंदी है, वध तों वध पानी पीना चाहीदा है। ते बाकी तुसीं की करना हैगा है, जदों तुसीं रात नूं सौंदे हो ना ते जिहड़ी लिपस्टिक वगैरह लगाई हुंदी है जां कोई भी किसे भी प्रकार दा मेकअप कीता हुंदा उह रिमूव कर दिया करो। तो ये छोटे छोटे चीज़ों का जो तुम ध्यान रख लग जाओगे ना तो जरा मतलब कि हैगी है ना पिगमेंटेशन इस चीज़ पर ब्लैक ब्लैक होना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो कच्चा दुध ठंडा लेना है तो वो कोटन डिप करके तो इतों साफ करते रहा करो तो जरा एरिया है ना बिल्कुल साफ रहेगा। तो बाकी मैं तुम्हें इदा की रेमडी दसदी हाँ कि जी लगा के तुम बिल्कुल ही ये वाली चीज़ वाइट कर सकते हो। डेली अप्लाई करनी है तो मतलब कि मैंने क्रीम भी पूछी सी इस वास्ते कि ये बारे कोई क्रीम दसो। क्रीमा नालों बेस्ट हैगी है ये वाली रेमडी चंदन का पाउडर, जिहड़ा मैं तुहानू दस रही कि किदां अप्लाई करना है, किस तरीके नाल लगाना है, किस चीज़ विच पा के लगाना है। क्रीमा नाल कोई फायदा नहीं हुंदा, क्रीमा नाल ये पहला ठीक हो जाएगी उपरली स्किन, फिर दोबारा हो जाती क्योंकि ये चमड़ी के अंदरूनी हो जाता है। तो बाकी आप मैं तुहानू रेमडी दसदी हाँ। रेमडी ये हैगा है कच्चा दुध लिया है तो यह हैगा है वाइट चंदन पाउडर, जिहड़ा तुहानूं पंसारियां कोलों मिल जाता है। एक वाइट हुंदा, एक थोड़ा जिहा जैलो जैलो हुंदा है। तुसीं की करना जिहड़ा वाइट वाला है ना ये खुला भी मिल जाता, पैकेट भी मिल जाता है। तो ये मेरा काफ़ी टाइम का लिया के रखा हुआ तो ये मैं इस्तेमाल करती रहनी है। बहुत वधिया स्किन लई, जिवें हुण सर्दियां ने, सर्दियां दे विच अपने ड्राई स्किन हो जाती है तो मॉइस्चराइजर की कमी हो जाती है, ये चीज़ा कालिया कालिया नज़र लगदिया ने, ये चीज़ा हो जाती ने ब्लैक ब्लैक तो बड़ी गंदिया फील होंदिया ने। तुसीं इहदा रोज़ डेली की करना है, दुध लेना है, कच्चा दुध लो ठीक है जी। दुध लैके तो उहदे विच तुसीं की करना है एक चमचा ये पाना हैगा है ठीक है, ये पाना है पाउडर जिन्ना तुसी अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हो। तो उहदे विच थोड़ा जा पाना हैगा आपां रोज़ वॉटर ठीक है जी, थोड़ा जा पा लो रोज़ वॉटर, बिल्कुल थोड़ा जा अद्धा कु चमचा रोज़ वॉटर पा लो। नहीं हैगा तो तुसी स्किप भी कर सकते हो, नहीं भी पा सकते ठीक है। तो इहदा आपां हुण की करना है, इहदा मिश्रण तैयार कर लेना है। ये बहुत वधिया है स्किन वास्ते, ये ठंडा हुंदा है तो स्किन नूं ना ठंडक पहुँचाता है, गर्मियों भी बहुत वधिया हुंदा है तो सर्दियों भी बहुत वधिया हुंदा है। तो ये जिन्हां दे स्किन जिहड़े दुध कच्चा नहीं अप्लाई करना चाहते वो कल्ला आपां तुसीं की करदे हो कर सकते हो, मतलब कि तुसीं रोज़ वॉटर लो उहदे विच भी आपां पा सकते हैं ठीक है जी। तो बहुत वधिया ये वाली रेमडी है, तुसीं जरूर इस्तेमाल करो। तो ये खास फरमायश ते सीगी कल मेरे भैन ने कमेंट किया सीगा। तो एक वीडियो तो हाँ जी, एक मैं तो मतलब कि तुहाडे हेयर जिहड़े टुटदे ने झड़दे ने वो मैं तुहानूं शाम नूं तेल दसांगी, ऐसा तेल कि तुहाडे जिहड़े वाल वाइट होए ने ना वो भी काले होने शुरू हो जाएंगे तो बिल्कुल वाल ब्लैक भी हो जाएंगे, मुलायम भी हो जाएंगे तो टुटना भी बंद हो जाएंगे। बाकी ये देखो अपना फेस जिहड़ा पैक है हो गया रेडी। ये तुसीं इस एरिए ते तुसी चाहो तो सारे ही फेस पर लगा सकते हो क्योंकि जो चंदन होंदा है फेस का कलर जिहड़ा है ना गोरा कर देता है। इस तरीके ना तुसी लगा के रखना है ठीक है जी। ये तुहाडे जिहड़े आस पास के हेयर होंदे ने ना वो भी रिमूव कर देता है। इस तरीके नाल इहनूं आपां लगा के रख देना है, इदां लगा के रखना है ठीक है जी। 10-15 मिनट डेली लगा के तुसी इहनूं छड्डना है। देखो इस तरीके 10-15 मिनट इन लगा के तुसी छड्डना है। तो ये तुसी देखो दिन ब दिन हौली 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 फर्क पैंदा पैंदा बिल्कुल ही तुहाडा जिहड़ा ये एरिया बिल्कुल साफ हो जाना है। लो जी दुध विच पाया आपां चंदन पाउडर तो इहनूं हुण मैं सुकण दिंदी हाँ फिर तुहानूं मिलदी हाँ फिर दसदी हाँ तुहानूं मैं।
ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਏ ਗਿੱਲਾ ਰੁਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਏ ਨਾ ਗਿੱਲਾ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ 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 ਦੀ ਨਾ ਮਸਾਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਮਸਾਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੇਲੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਕਲਰ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਪੈਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਓ, ਚੰਦਨ ਪਾਊਡਰ, ਵਾਈਟ ਚੰਦਨ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੈਲੋ ਜੈਲੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਓ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲਾਈ ਲੈਣੀ, ਮਲਾਈ ਵਿੱਚ ਚੁਟਕੀ ਕੀ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਸਾਜ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਸਵੇਰੇ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲਓ, ਉੱਠ ਕੇ ਮਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ, ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਇਹਦੀ ਮਸਾਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਬੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਲੈਣਾ।